आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशन, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको नेट फोर्स जीरो करना है। अब नेट फोर्स में क्या करना है कि जो एक्स में फोर्स है उसको जीरो करिए और वाई में जो फोर्स है उसको जीरो करिए। अगर जेड में फोर्स है उसको भी जीरो कर दीजिए। तो इसका नाम हो गया, ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक है क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें नेट टॉर्क को जीरो करना है। नेट टॉर्क को जीरो करना है, तो नेट टॉर्क को आप जीरो करेंगे तो इसको आप बोलेंगे क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो ये तो हम लोग बोलते थे कि ये स्टैटिक कंडीशन का है, इसमें नेट टॉर्क क्या हो, जीरो हो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। एक बात करते हैं क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि बॉडी चले भी, है ना। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी कांस्टेंट होगा, भी कांस्टेंट होना चाहिए और ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट जीरो हो गया, ये हो गया आपको। रोटेशनल में क्या होना चाहिए कि ओमेगा जो होना चाहिए वो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए रोटेशनल के लिए, और अल्फा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, अल्फा जीरो। तो अल्फा जीरो होगा तो आप क्या लिखेंगे, इसमें टाउ को जीरो कर देंगे। इसलिए बहुत बार ये पूछता है, इस तरह से पूछता है कि आपको x दिया रहेगा, x दिया रहेगा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2t³ - 4t² + 8t, ऐसे इस तरह से दिया हुआ है, और कहेगा कि इक्विलिब्रियम में है। कैसे है भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहेगा कि इक्विलिब्रियम में है, तो आपको क्या करना होगा कि नेट फोर्स को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। इसका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि एम ए जीरो होगा, तो एम तो जीरो कभी नहीं होगा, क्या जीरो होगा, ए जीरो होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आपको पता है कि एक्स दिया हुआ है टी के टर्म में, है कि नहीं। मास जीरो नहीं हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है, ए जीरो हो सकता है। तो ए जीरो हो सकता है तो सबसे पहले भी निकालेंगे, और भी को क्या करेंगे, सिक्स हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एट टी होगा, और प्लस एट होगा, ये हो गया। फिर ए को ए निकालेंगे तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12t - 8 + 0, और इसको करना है जीरो। तो ए इक्वल टू क्या करना है, जीरो। 12t - 8 = हो गया जीरो, तो t = 8 डिवाइडेड बटे क्या हो गया, 12 हो गया, तो 2/3 इतना सेकेंड होगा। इसी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होता है कि टाउ जो होता है, जो टाउ होगा वो होगा i (α) = 0। तो i तो जीरो होगा नहीं, ओके, तो क्या होगा, अल्फा जीरो होगा, और अल्फा आपको इस टर्म में दिया रहेगा, सॉरी अल्फा नहीं दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, और थीटा को ऐसे दिया रहेगा कि θ = मान लीजिए कि 2t³ - 2t² ऐसे दिया होगा। तो इसको क्या करेंगे, एक बार तो ओमेगा निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा भाई, dθ/dt से निकलेगा, और ये कितना हो जाएगा, 6t² - 4t। एक बार अल्फा निकलेगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, d ओमेगा अपन dt, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 12t - 4, ऐसा होगा 12t - 4, और उसको क्या करना है, जीरो। उसके बाद क्या कर देना है, इसको जीरो कर देना है। तो अल्फा इक्वल टू करना है जीरो, तो मिल जाएगा क्या आपको, 12t - 4 = 0, तो t बराबर हो गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरह से हम लोग अल्फा को जीरो करके रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ए को जीरो करके
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, अगर भी कांस्टेंट हो तब भी कर सकते हैं। और ऐसा कंडीशन सवाल में दिया रहेगा कि भाई इसका जो टॉर्क है वो जीरो हो रहा है जबकि थीटा का कंडीशन ऐसा है तब। अब जैसे मान लीजिए कि इसके अबाउट इसको घुमाना है, इसी के अबाउट, और एक यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है इसका नाम F1 है, एक यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है इसका नाम F2 है। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितना है, L है, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ये L1 है और ये है L2, और इसके अबाउट घुमाना है ना। तो इसमें हम बता रहे हैं कि F1 जो है इसमें आप कह देगा कि नेट टॉर्क जीरो है, वो कहेगा खुद। नाउ टाऊ जो नेट है वो जीरो है, खुद बोल देगा। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकता है, इसके अबाउट घूमेगा तो ये चाहेगा कि हम इधर घुमाएं F1 चाहेगा कि हम इधर घुमाएं, और F2 चाहेगा कि हम इसको इधर घुमाएं, है ना भाई। तो क्या होगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स लग रहा है ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, जो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे F1 फिर L1 इज इक्वल टू F2 और L2, या ऐसे आप लिख सकते हैं और नेट टॉर्क जीरो करेंगे, या टॉर्क अबाउट ओ, या ऐसे लिखेंगे टॉर्क अबाउट ओ क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, नेट टॉर्क जीरो या टॉर्क अबाउट ओ जीरो, इस तरह से लिखते हैं हम लोग बातों को। अब जरा समझिए कि इधर से अगर ऐसे टॉर्क लगाना ना, राइट हैंड थंब रूल, तो ऐसे घूम रहा है तो कहाँ होगा, बाहर मतलब के कैप। तो यहाँ पर हम पूरा अगर ढंग से इसको सजाएं तो टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो अगर इसके लिए अगर हम बात करें, जैसे लिखेंगे R1 क्रॉस और क्या लिखेंगे F1 प्लस R2 क्रॉस और F2 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू जीरो। तो R1 किधर है, इधर, तो इसको क्या मानते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ लिखेंगे क्या R1 आई कैप क्रॉस F1, F किधर है J कैप प्लस R2 किधर है I कैप और F किधर है माइनस J कैप, ओके इक्वल टू क्या होना है जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 F1 I क्रॉस J और प्लस फिर क्या है R2 और F2, और यहाँ पर क्या हो गया I अक्रॉस माइनस जे इज इक्वल टू जीरो हो गया। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और R2 F2 और आई क्रॉस माइनस जे, तो आई क्रॉस जे तो हो जाता है के, और एक पहले से है तो क्या हो गया माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 F1 के कैप माइनस R2 F2 और क्या हो गया के कैप इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया R1 फिर F1 और यहाँ पर क्या हो गया R2 और फिर क्या हो गया F2। इस तरह से आपको लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो होगा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, देखिए ऐसे सीधे लिख दीजिए बाहर आउट। तो R1 F1 बाहर आएगा तो प्लस, और इसको लिखेंगे क्या अंदर ऐसे, तो ये अंदर हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस R2 और F2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया R1 F1 इज इक्वल टू R2 और F2, ये रिजल्ट आ गया। जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एक
रॉड दिया हुआ है, उस रॉड का जो मास है वो यूनिफॉर्म है. फाइंड N1 एंड N2, फाइंड N1 एंड N2. तो ये हो गया आपका एक रॉड है ऐसे, चलिए ऐसे रॉड हो गया ऐसे, ऐसे रॉड है. इसकी लंबाई कितनी है L, मास कितनी है M. क्लियर. अब इसको हमको यहां पर एक ऐसे N1 मिलेगा, यहां पर एक मिलेगा क्या N2 मिलेगा, इस तरह से आपको दिया हुआ. इसकी लंबाई ओवरऑल L है और ये जो एंड है लगभग, ये जो N1 है लगभग एंड पर है, ये नहीं कि इधर कोई लंबाई है. नहीं समझे बात को, जैसे कि यहां से है ऐसे, इसका मास mg है. तो इसी में अगर हम सोल्व करें तो इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर B, और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देते हैं O, O नाम देते हैं. तो यहाँ से क्या होगा, वेट निकलेगा, वेट बिल्कुल वेट निकल के mg. तो एक तो इक्वेशन आ ही रहा है कि y में नेट फोर्स को क्या कर दीजिए, जीरो. तो यहाँ पर लिखिएगा क्या N1, यहाँ पर लिखिएगा क्या N2, यहाँ पर लिखिएगा -mg = क्या लिखिएगा, जीरो. तो यहाँ पर लिखना है N1 plus M2 = क्या लिखना होगा, mg, है कि नहीं. N1 plus N2 = क्या लिखेंगे आप, mg लिखेंगे. तो एक तो इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए, ये इक्वेशन जो आप लिखे हैं वो फोर्स का इक्वेशन है. अब आपको जो इक्वेशन लिखना है वो है टॉर्क वाला. तो टॉर्क का मतलब क्या हुआ, नेट टॉर्क अबाउट A क्या करना है, जीरो करना है. तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ टाउ नेट अबाउट A इज क्या होगा, जीरो होगा. तो क्या लिखेंगे आप, टाउ N1 का लिखेंगे बिल्कुल, टाउ mg का लिखेंगे प्लस टाउ N2 का लिखेंगे. जितने भी फोर्स है उन सभी फोर्सों के वजह से टॉर्क होगी, आप ऐसे ही लिख देंगे. क्लियर. अब सवाल ये उठता है कि किसके लिए टॉर्क पॉजिटिव होगा और किसके लिए टॉर्क नेगेटिव होगा, टॉर्क का मान कितना होगा और किसका जीरो होगा, इस बात पर ध्यान रखना होगा. तो अब हम क्या करते हैं कि जो टॉर्क है यहाँ पर, टॉर्क अबाउट A मतलब कि N1 का जीरो होगा. अब पूछिए क्यों जीरो होगा, N1 इंटू जीरो कर दिया मैंने, मतलब कि R परपेंडिकुलर जो है वो जीरो है. N1 इंटू जीरो, जीरो का मतलब कि जो R परपेंडिकुलर है वो खुद क्या है, जीरो है, वो खुद जीरो है. तो ये हो गया. अब यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे mg लिखेंगे. तो mg फोर्स ऐसे है ना, ऐसे mg फोर्स ऐसे. तो इस तरह से ये घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज चाहता है घुमाना, समझे. ये चाहता है mg फोर्स कि हम इसके अबाउट इसको क्लॉकवाइज घुमाएं. तो क्लॉकवाइज वाला हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, है ना. यहाँ पर लिख देते हैं L/2, मिड पॉइंट है L/2. अब प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या, N2 इंटू क्या लिखेंगे, L = 0. इसको माइनस क्यों लिखे, इसको माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. बराबर जीरो हो गया. तो -mg L / 2 प्लस N2 × L = 0. तो mg L / 2 = N2 × L. तो L सेल कट जाएगा. तो mg/2 = क्या मिलेगा, N2. ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड. और एक इक्वेशन आया है फर्स्ट. तो फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बात करें तो इसमें जो सोल्व करेंगे ना पुट करके, तो क्या मिलेगा, N1 = क्या मिलेगा, mg/2 मिलेगा. दैट इज N1 = N2 = mg/2. N1 = N2 = mg/2 मिलेगा. क्यों मिलेगा, क्योंकि रॉड जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म.
तो जितना नॉर्मल यहाँ लगेगा उतना ही नॉर्मल यहाँ पे लगेगा इसकी लंबाई एल है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसी टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम, लेकिन वो है स्ट्रिंग वाला। सवाल कैसे पूछता है जरा समझिएगा, सवाल कई तरीका से पूछता है आपको, एक ही तरीका नहीं है। इक्विलिब्रियम का सवाल कई तरीका से पूछता है, जैसे कहेगा कि एक मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल, और मीटर स्केल देने का मतलब क्या हुआ कि वो दे दिया कितना 100 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई, एक मीटर स्केल है तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर या चाहिए तो 1 मीटर। और इसको यहाँ से एक धागा से है ना, इसको इस तरह से बांध दिया सेलिंग में, तो इसमें जो टेंशन हो गया वो क्या हो गया T1, और इसमें जो टेंशन हो गया क्या हो गया T2। और इस जो ये जो है ये वाला, इसका मास है 100 ग्राम, समझिए कितना मास है 100 ग्राम, और यहाँ पर एक मास रख दिए हैं वो कितना का है 200 ग्राम। क्लियर भाई, 200 ग्राम का मास रखा हुआ है। तो ये जो है ये वाला, ये कितना है 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया बात, एक मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल की लंबाई कितनी होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, उसका मास कितना है 100 ग्राम, और एम मास का ब्लॉक को इस साइड में हम रख दिए हैं 200 ग्राम का मास। तो बताना है कि यहाँ पर टेंशन T2 है, यहाँ पर टेंशन T1 है, उसका मान कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि जो मीटर स्केल का मान है उसका मास मान लेते हैं कितना 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 100 × 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 kg। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मान लेते हैं M1 फिलहाल, है ना, तो M1 मान सुविधा रहेगा, तो ये है आपको 200 ग्राम, इसको लिखेंगे क्या 200 × 10⁻³ इज इक्वल टू 0.2, और ये हो गया आपको kg, 0.2 kg है क्या। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, ये पूरा लंबाई, इसकी पूरा लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, देख रहे हैं 100 सेंटीमीटर, ओके, तो इसको लिख सकते हैं क्या 0.1 मीटर, ये भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ से इसकी जो ये लंबाई है अपना, समझ रहे बात, 75 हो जाएगी, तो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर इसी का, तो ये हो गया आपका मीटर स्केल, ठीक है, ये है मीटर स्केल, यहाँ पर रखा हुआ है एक एम मास का ब्लॉक, तो इसके सेंटर से एम जी निकलेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा M1G, ये भी ठीक है, यहाँ से निकलेगा T2, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा T1, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेट फोर्स वाई में क्या करना है 0, तो यहाँ पर हो गया T1 प्लस T2 माइनस MG और माइनस M1, G इज इक्वल टू 0, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू MG प्लस M1 G, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू G और M प्लस M1। इसको आप सोल्व कर लीजिए थोड़ा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू G का वैल्यू 10 हो गया, और स्मॉल M का जो वैल्यू था वो 0.1 था, 0.1 kg, और इसका वैल्यू था 0.2 kg, है ना। तो ये क्या हो गया 10 × 0.3, तो कितना आ गया 3, यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3 आ गया। एक इक्वेशन बना दिया है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा भाई 3, मतलब कि एक इक्वेशन मैं आपको बनाकर दिखा दिया। अब हम नाम लिखते हैं क्या, यहाँ पर A लिखते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं B, है ना, और यहाँ पर लिखते हैं C, यहाँ पर C नाम लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं D,
या ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर दे दीजिए बी, यहाँ पर दीजिए सी, यहाँ पर दे दीजिए डी। नाम नाम मैंने दे दिया। ओके, अब टॉर्क को, नेट टॉर्क को हमको जीरो करना है। नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क किसके अबाउट जीरो करना है, इसके अबाउट जीरो करना है। ये आपको पता है कि ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा यहाँ से। ओके, और ई जो होगा कितना होगा, 75 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर कहाँ से, यहाँ तक। और ई आपको पता ही है कि 100 सेंटीमीटर है कहाँ तक, लास्ट तक। तो जितने भी फोर्सेस होंगे उन सभी फोर्सों के लिए आपको निकालना होगा टॉर्क, टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। जितने भी फोर्स हैं उन सभी फोर्सों की वजह से कैलकुलेट करना होगा आपको टॉर्क। तो कैसे करेंगे टॉर्क का कैलकुलेशन, तो टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट ए इज जीरो, नेट टॉर्क अबाउट ए इज जीरो, टाउ ए और क्या लिखेंगे, टाउ बी, टाउ सी और टाउ ए नहीं, टाउ ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ऐसे। जो टॉर्क अबाउट ए है वो होगा जीरो, तो यहाँ पर लिखेंगे टाउ, टी वन फोर्स के चलते टॉर्क, फिर क्या लिखेंगे स्मॉल एम जी के चलते, फिर क्या लिखना है एम वन जी के चलते, फिर लिखना है टी टू के चलते, इन सभी के वजह से टॉर्क क्या होगा भाई, जीरो होगा। को डाउट नहीं, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका लिखते हैं तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि ये जो है इसका आर जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं क्या, माइनस में लिख देते हैं माइनस, क्योंकि ये एम जी है तो एम जी घुमाना चाहेगा ऐसे, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, एम जी इन टू 50 सेंटीमीटर तो 10^-2, ये भी सही है। ओके, हाँ तो ये हो गया आपका। और उसके बाद फिर माइनस एम वन जी इंटू 75 इंटू 10^-2, और फिर क्या लिखेंगे प्लस टी टू, वो टी टू हो जाएगा उधर से है, इंटू 100 इंटू 10^-2 इजिकल टू जीरो। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस एम, एम का वैल्यू था 0.01 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 10^-2 माइनस एम वन 0.2 इंटू 10 इंटू 75 इंटू 10^-2 माइन प्लस टी टू इंटू 100 इंटू 10^-2 इजिकल टू जीरो। तो देखिए एक जीरो और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा चला यहाँ पर 0.5 बच गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया आपको, ये दोनों जीरो को हटाते हैं तो एक तो हट गया यहाँ से और एक यहाँ से, यानी माइनस 0.2 इंटू 7.5 ऐसा हो गया। ओके, इसको हटाएंगे तो ये हट जाएगा, प्लस टी टू इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पर मिल रहा है क्या, टी टू इजिकल टू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 7.5, तो यहाँ पर मिलेगा क्या 0.5 प्लस, इसमें 5×10 हो जाएगा और 7×14=15 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपको 0.65। टी टू इजिकल टू ये आ गया, टी टू इजिकल टू आया आपको 0.65 आ गया आपको वैल्यूज। ओके, तो टी टू आपको मिला 0.65 न्यूटन, एक तो ये आंसर हो गया। और एक यहाँ पे जो इक्वेशन था है ना, यहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन कैलकुलेट किए थे वो तो मैंने मिटा दिया है ना, तो एक यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं टी टू फ्रॉम फर्स्ट जो यहाँ पर इक्वेशन था उससे आप क्या निकाल लीजिए, टी वन निकाल लीजिए, क्लियर।
T1 का मान, यहाँ पर मैंने मिटा दिया था इक्वेशन, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। यहाँ पर एक T1 की वैल्यू थी ना, क्या थी T1 की वैल्यू, देखिए T1 प्लस T2 लिख सकते हैं, T1 प्लस T2, एक तो था 0.1 kg का वैल्यू, है ना, तो 0.1 × 10 था, और दूसरा कितना था 0.2 × 10 था, तो 3 kg का था, 3 न्यूटन था, 3, हाँ T1 प्लस T2 कितना था, 3 था, है ना भाई। तो फ्रॉम फर्स्ट T1 प्लस T2 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या 3, तो आप यहाँ से T1 निकालेंगे 3 माइनस T2, तो ये हो गया 3 माइनस T2 का वैल्यू कितनी 0.6 और 5। इसको कैसे घटाएंगे देख लो भाई, 3.00 कर दो और यहाँ पर करो क्या पॉइंट, यहाँ पर करो 0 और 0.6 और 5 कर दो, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 5 जाएगा, यहाँ 9 3 हो जाएगा, और ये आएगा 2, तो ये आ जाएगा आपको कितना 2.35 न्यूटन, ये हो गया आंसर, है ना। तो T2 और T1 का वैल्यूज इसी तरह से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब देखिए बात करते हैं लैडर प्रॉब्लम, तो ये मान लीजिए बेस है, ये है एक वर्टिकल वॉल, और इस तरह से लगा हुआ है एक, इस तरह से लैडर लगा हुआ है ऐसे, है ना, ये लैडर है, तो ये तो सरफेस जो होगा वो आपको पता है रफ होगा, है ना, न तो इधर फिसल जाएगा, है कि नहीं, फिसल जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर रफ सरफेस है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा उसका नाम N1, और एक इधर नॉर्मल फोर्स लगेगा उसका नाम हो जाएगा N2, है ना, और यहाँ पर जो है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये हो जाएगा mg, इसका पूरा लंबाई जो है वो L आपको दिया हुआ है, ये लंबाई है इसकी, तो ये हो गया कितना थीटा हो गया, हो ना थीटा, तो यहाँ पे रॉफ सरफेस है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, टेंडेंसी तो फिसलने की इधर होगी, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं, पहले नेट फोर्स वाई में क्या करते हैं 0, तो क्या लिखेंगे N1 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे N1 तो ऊपर है, mg कहाँ है, नीचे है, बराबर 0, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो N1 इज इक्वल टू क्या हो गया mg आ गया, एक रिजल्ट आ गया N1 इज इक्वल टू mg, आया ना, क्लियर। अब दूसरी बात यह है कि इसमें क्या रखते हैं N2 की बात करते हैं, तो N2 लग रहा है कि सर x में, तो x इक्वल टू 0 करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, N2 लग रहा है इधर अपोजिट में 0, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर जो हो गया वो क्या हो गया N2 हो गया। अब इसमें टॉर्क भी लिख सकते हैं, टॉर्क आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं b, और यह है c, तो अब यहाँ पर ये पूरा लंबाई L है, तो E वाला कितना होगा, L साइन थीटा होगा, बिल्कुल L साइन थीटा होगा, और ये पूरा कितना होगा, ये वाला, ये पूरा L cos थीटा होगा, होगा। तो अब क्या करते हैं कि नाउ टाउ जो नेट है उसको हम 0 करते हैं, टाउ नेट 0, तो टाउ नेट 0 करते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, टॉर्क अबाउट N1 लिखें, टॉर्क अबाउट A इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो टॉर्क N1 के चलते, टॉर्क फ्रिक्शन के चलते, टॉर्क N2 का चलते हैं, और टॉर्क mg का चलते हैं, जितने फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सों के वजह से आप टॉर्क लिख दीजिए, और उस टॉर्क को क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, समझ रहे, जितने भी फोर्स हैं उन सभी फोर्सों का टॉर्क आप लिख दीजिए, और उस टॉर्क को आपका कर देना है 0 कर देना है, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पर जब 0 करेंगे तो देखिए N1 का चलते तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका R 0 है, अब फ्रिक्शन में क्या है, फ्रिक्शन के चलते भी 0 है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा है, इसी पॉइंट पर, और N1 कहाँ लगा है, इसी पॉइंट पर,
जिस पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, उसके बाद n2 है, तो n2 देखो, n2 ये है, इस पे परपेंडिकुलर कौन है, l sin थीटा है ना। तो आराम से लिखिए, n2 लिखिए, अब परपेंडिकुलर कितना है, l sin थीटा, इसको भी लिख दीजिए। ये n2 है और ये l sin थीटा है, उसे परपेंडिकुलर लिख दीजिए। ये mg है, mg, और ये mg किस पे परपेंडिकुलर है, l cos थीटा पर, लेकिन mg नहीं, ये l by 2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, l by 2, तो l by 2 cos थीटा पर परपेंडिकुलर है, और वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव ले देते हैं, तो यहाँ पर लिखें क्या, माइनस mg cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखे हैं क्या, n2 l sin थीटा माइनस एम जी आई डिवाइडेड बटे टू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन टू यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर देखिए एल यहाँ से निकलेगा क्या, एन टू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन टू साइन थीटा माइनस एम जी बटे टू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, एन टू इज इक्वल टू एम जी आई डिवाइडेड बटे टू, यहाँ पर होगा क्या cos थीटा, और फिर क्या हो जाएगा sin थीटा। तो यहाँ पर हो गया क्या, एन टू इज इक्वल टू एम जी आई डिवाइडेड बटे टू, यहाँ पर हो गया क्या cos थीटा। एन टू इज इक्वल टू ये वैल्यू जा गई, और एन टू इज इक्वल टू क्या है, फ्रिक्शन है ना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन को लिख सकते हैं, फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन वन लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन वन, इस तरह से आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टर्म आती है जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ मास की तरह ही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती थी और सेंटर ऑफ मास, इसमें क्या अंतर है, तो अंतर आप ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो बॉडी पे ही होगी। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है ना, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, इस तरह से होगी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। और सेंटर ऑफ मास में है, जैसे कि ये बॉडी है, तो इन दोनों बॉडी के बीच में सेंटर ऑफ मास हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी पे भी हो सकती है और बॉडी से बाहर भी हो सकती है, जैसे दो बॉडी है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, इसका अपना अलग होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसका अपना अलग होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझ में आ रहा है ना। तो बॉडी पे ही होगी। तो अब ऐसा पूछता है कि एल लेंथ, एल बराबर 3 मीटर का एक कोई रॉड है, ठीक है ना, रॉड है, और उसका जो लीनियर मास डेंसिटी है लेमडा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है। तो हमको बताना है कि फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, यानी एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स डी एम डिवाइडेड बटे क्या डी एम, यही हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लिखेंगे क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एक्स तो ही है, और डी एम को क्या लिखते हैं याद है आपको, यहाँ पर लिखते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखते थे लेमडा इज इक्वल टू डी एम अपन डी एक्स, नो डाउट। तो डी एम इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू डी एक्स, डी एम इज इक्वल टू मैंने लिखा, डी एम इज इक्वल टू लिख दिया लेमडा इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा मैंने, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बटे लेमडा डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब सवाल ये है कि लेमडा का वैल्यू कितना है, एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x और x dx, और जीरो से लेकर कहाँ तक, 3 तक, यहाँ पर क्या लिख देंगे, x dx 0 से लेकर 3 तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, x dx 0 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, 0 से लेकर कहाँ तक आया, 3 तक आया। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आएगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू, सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो x के पट्टे 3 और 3 हो गया, और 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक, यहाँ पर क्या हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक, तो यहाँ पर हो गया आपको 3 का क्यूब डिवाइडेड बटे 3 डिवाइडेड बटे, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 2 डिवाइडेड बटे 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 बटे 3 तो होगा ही, और 3 के पावर 3 डिवाइडेड बटे 2 के पावर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 2, तो यहाँ पर हो गया क्या 3 के पावर 2 x, यहाँ पर 2 हो गया x स्क्वायर और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। तो एक ये यहाँ से कट गया, ये कट गया, तो आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, है ना, कितना आएगा 2 मीटर आएगा, ये हो गया आंसर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ मास जो आप निकालते हैं किसी रॉड के लिए वही होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर, कोई डाउट? ओके, तो आज को क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।